चार मिसरा पेश करता हूँ, उसके बाद मुकम्मल नाती पाक पेश करूंगा। बिना किसी तमहिल के चार मिसरा से अपने शेर सफल का आगाज करता हूँ। समाज फरमाए शिरकत चाहता हूँ। शाहरुख न बनेगा, कि शाहरुख न बनेगा, न तो न तो न तो न तो सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। थोड़ा सा जिंदा दिली का सबूत नहीं बता देखा समाज फरमाए। शाहरुख न बनेगा, सलाम पेश करता बताओ देखा। हाफिज़े कुरान बनेगा, अहे दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले, अहे दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। पाक के लिए हुक्म है ना कि पाक का एक मतलब दो तीन शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले से पेश करता हूं। समाज में ये मौजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया, ये मौजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया, जमीन पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्ह अल्लाह के नबी पर तन मन धन से कुर्बान हो जाती है। और मैं पेश करता हूँ शेर, आप बरहा सुनते रहते हैं किस तरीके से अल्लाह के नबी पर कुर्बान हुई थी, जा फिदा करने वाली बनी थी। पेश करता हूँ समाज पर मैं। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया, और राह खुदा में देख खदीजा ने माल सर, खदीजा ने माल सर, राह खुदा में देख खदीजा ने माल सर, खदीजा ने माल सर, राह खुदा में देख चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया, मक्के के हर
चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। और वो शेरा रहा है जो अबू जहल अपने आप को कहता था, अल्लाह के नबी का भतीजा हूँ। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, भतीजे मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या चीज है बता दो तो इस्लाम लाऊंगा और मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे चाचा अगर आपकी मुट्ठी में क्या चीज है मैं ना बताऊं बल्कि मुट्ठी में क्या चीज है खुद गवाही दे तो क्या इस्लाम लाओगे? वो तो बेशक मैं मुसलमान हो जाऊंगा। पेश करता हूँ बतौर खास, मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। अबू जहल बेचता था जो अंधों को आईना,